साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर में जो अक्सर कुछ व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं और वो व्याधियां गांव में, शहर में, कहीं पे भी थोड़ी सी असावधानी की वजह से उत्पन्न हो जाती हैं। अतिसार या डायरिया एक ऐसी एक व्याधि है जो बहुत अक्सर कॉमन भी है और इसका यदि ध्यान न रखा जाए तो ये बड़ी घातक भी साबित हो सकती है। इसकी पहचान क्या साथियों? असामान्य रूप से पतले पानी मिले बिना मरोड़ के मल का बार बार त्याग करना अतिसार इसको हम कह सकते हैं और यह एक जाना पहचाना बच्चों, जवान और बड़े बूढ़ों को हो जाने वाला एक कॉमन सा एक रोग है। और इसके कारण क्या है, इन पर बात करते हैं साथियों। डायरिया उत्पन्न होने के प्रमुख कारणों में एकाएक मौसम बदलना, पाचन अंगों के कार्य में गड़बड़ी, ऋतु के विपरीत आहार विहार, नमकीन, तीखे, मिर्च मसालेदार भोजन का अधिक सेवन, गरिष्ठ पाचन में भारी तली मीठी चीज़ों को ज़्यादा खाना, दूषित फल और जल का सेवन और अति शीतल जल, बर्फ का खाना, पूर्व में किए गए भोजन के पाचन से पहले ही दोबारा से खा लेना और पेटों में कृमि होना, भय, शोक, दुख, मानसिक संताप, आतंक का प्रभाव, रात्रि तक देर तक जागना इसके मुख्य कारण होते हैं। अब हम लक्षणों की बात करें साथियों। अतिसार के लक्षणों के रूप में दस्त आने से पहले हल्का मीठा पेट में दर्द होता है, कभी थोड़ा गाढ़ा, कभी पानी के समान पिचकारी की तरह तेजी से मल निकलना, शारीरिक दुर्बलता और पेट पर दबाव पड़ने पर पीड़ा होना, जीभ का सूखना इसके मुख्य लक्षण हैं। अब साथियों हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? सबसे पहले साथियों में ORS का घोल या एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी और एक चुटकी भर नमक मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम एक कप करके पी सकते हैं। भोजन के रूप में हमें हल्का दही, चावल या खिचड़ी खानी चाहिए। चावल का धोवन, मूंग या मसूर की दाल का सूप, आरारोट, साबूदाने की खीर या छाछ, हम अपनी इच्छानुसार इसका हम सेवन कर सकते हैं। दोपहर का जो भोजन है उसमें लौकी का रायता, दही या लस्सी ले सकते हैं और एक कप दही के अंदर एक केला मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम हम उसका सेवन करें। नींबू, मौसमी, संतरे और अनार का रस हम ले सकते हैं। कच्चा पक्का पपीता, गन्ने का रस और मीठा जो सेब है वो खा सकते हैं, बेल का मुरब्बा खा सकते हैं। और क्या नहीं खाना है साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बासी, तली, भारी, मिर्च मसालेदार चीज़ें और गेहूं से बने हुए खाद्य पदार्थ, इनका हम सेवन बिल्कुल ना करें। शराब, चाय, कॉफ़ी, दूध, इनका सेवन ना करें। मक्खियां, बैठी या बिना ढकी हुई जो चीज़ें हैं वो ना खाएं। और फ्रिज में रखे एकदम बाहर निकाले हुए जो ठंडे पदार्थ हैं वो एकदम से ना खाएं। आलू, इमली, बैंगन, घुइयां, गोभी का अचार, इनका सेवन ना करें। और दावत में बहुत पहले से जो कटे हुए जो सलाद जो होते हैं उनके सेवन से हम बचें। साथियों, डायरिया जब हो जाए उसके निवारण में क्या क्या उपाय काम करते हैं, किन बातों का हम ध्यान रखें डायरिया से जल्दी हम जो निजात है वो पा सकते हैं। पीने का पानी है इसको उबाल कर ठंडा करके पिएं। पेट को गर्म कपड़े से ढक दें। भोजन करने से पूर्व हाथों की सफाई करें, हाथों के नाखून काटें और प्याज को पीस कर नाभि के ऊपर में उसका जो लेप है वो कर दें। इससे क्या होता है कि जो डायरिया में आपको तुरंत राहत मिलती है। अब यदि डायरिया हो जाए तो ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? एक तो हमें मलमूत्र और अपान वायु का जो वेग है उसको बिल्कुल नहीं रोकना है। रात को देर तक नहीं जागना है। दिन में सोने की आदत नहीं बनानी है। अंगूठों के, उंगलियों के नाखून वो बड़े नहीं करने हैं ताकि मैं मैल जमा ना हो। गंदा और जो बासी है पानी वो नहीं पीना है। इन सब बातों का ध्यान रख के हम जो अतिसार, जो डायरिया नामक रोग है, इससे हम बड़ा छुटकारा पा सकते हैं। हम प्रयास करें कि हमें ऐसे रोग ना हो। और किसान भाइयों, आप लोग खेतों से में बहुत दूर रहते हैं, शहरों से, कस्बों से डॉक्टर की अवेलेबिलिटी भी इतनी नहीं होती है, इसलिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और जो बातें इस वीडियो में बताई जा रही हैं उनका ध्यान रखें। आप जो अपने खुद को, अपने परिवार को, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को डायरिया नामक जो रोग है उससे आप बचा सकते हैं। आपको ये साथियों वीडियो कैसा लगा, इसकी फीडबैक हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपको किसी विषय पर वीडियो की जानकारी चाहिए आप हमें बताएं, हम उस विषय पर शोध करके आपके लिए वीडियो बनाएंगे और वो जानकारी आप तक अवेलेबल कराएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/kisanakademy पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां आकर आप विभिन्न जो विमर्श का एक हिस्सा बन सकते हैं।
साथियों, किसान अकादमी का प्रयास है, तमाम जानकारियां हैं खेतों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, पशुओं के बारे में, मानव शरीर के बारे में, वो हम आपसे इस किसान अकादमी की जो सीरीज के तहत आपसे शेयर करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए